कभी कभी घर में जिंदगी अजीब सी हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आता। घर का माहौल बोझिल या नकारात्मकता लाने लगता है। कई बार देखने को मिलता है कि घर में सदस्यों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है या वो बीमारी से जूझने लगते हैं। इसका मुख्य कारण केवल घर में नकारात्मकता ही कहा जा सकता है। कहते हैं कि नजर से कुछ नहीं होता, बल्कि कहा जाता है कि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। कहीं आप तो परेशान नहीं हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो आप बुरी नजर के प्रकोप में हैं। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसे कई लोग बुरी नजर लगती है, घर में अगर आपको ऐसा माहौल लग रहा है तो इसका आसान उपाय संभव है। हमारे ग्रंथों में छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं जिनसे हम अपने घर की नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बड़े पूजा पाठ की आवश्यकता या किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही बहुत छोटी छोटी चीजों से घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। ये उपाय बहुत लंबे या रोज किए जाने वाले नहीं हैं। इस उपाय को केवल 7 से 10 दिन में एक बार करना होता है। उसी से आपको विशेष फायदा हो सकता है। नंबर 1, यदि आपके घर में अशोक का पेड़ लगा हुआ है तो आप घर के बाहर से भी अशोक के पत्ते के 7 पत्ते ला सकते हैं। इन्हें धोकर घर के मंदिर में रख दें। जब ये सूख जाएं तो इन्हें बदल दें। इस पेड़ का नाम ही अशोक इसलिए है क्योंकि ये शोक यानी तकलीफों को दूर करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। नंबर 2, आप बाजार से अपने घर में एक नारियल लेकर आएं, उसे हाथ में लेकर पूरे घर में घूमें, फिर घर के मंदिर में रख दें। अगली सुबह उस नारियल को किसी तालाब या नदी में चुपचाप से बहा दें और याद रखें कि बहाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें, जरूर आपको फायदा होगा। नंबर 3, यह बुरी नजर का सबसे आसान और अच्छा उपाय है। आप अपने घर में एक दिन पोंछा लगाएं, पानी में नमक मिलाकर लगाएं। गुरुवार को पोंछा कतई ना लगाएं। यदि आप यह करते हैं तो आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी। Next 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।